के चैप्टर नंबर सिक्स जिसका शीर्षक है स्वस्थ धन सुखी जीवन। इसमें ये चैप्टर हमने पढ़ रखा, आज हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपके सोचे और बताए वाले प्रश्न है जो कि तीन ही है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपके बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे। तो आपने भी चैप्टर पढ़ा था, आपको भी पता होना चाहिए बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे। बच्चे मोबाइल फोन पर गेम खेल रहे थे, इसका उत्तर आपको यह लिखना, बच्चे मोबाइल फोन पर गेम खेल रहे थे। उसके बाद में आपके प्रश्न नंबर टू, सुषमा ने उनके बीच जाकर क्या कहा, यानी कि जो बच्चे गेम खेल रहे थे तो उनके बीच जाकर सुषमा ने क्या कहा। सुषमा ने कहा कि अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें यह खेल खेल कर, इन खेलों से दादाजी के पास जाके बैठो और तो दो काम की बातें सीखोगे। तो ये उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद में आपके प्रश्न नंबर तीन, स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है। इसमें सबसे अच्छी बात पूछी है कि स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है। स्वस्थ तन हो तो सबसे पहली बात है, स्वस्थ तन हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। हंसने हंसाने को मन करता है और रात को नींद अच्छी आती है, काम करने में आलस्य नहीं होता है और जीवन जो है हमारा, इन बातों से हमारा जीवन जो है सुखी बन जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि भाई स्वस्थ तन से सब कुछ अच्छा लगता है, नींद अच्छी आती है, हंसते हंसाने को मन करता है, कोई भी काम करे तो हमें आलस नहीं आता है, जिससे हमारा जीवन सुखी बन जाता है। यह बातें आपको लिखनी है। उसके बाद में लिखे वाले प्रश्न है, उसमें सबसे पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सबसे पहला है अ, रिक्त स्थान में दो है आपके, सबसे पहला है अ, बुरी बात है पर रिक्त स्थान दे रखा है, अच्छी बात है पर रिक्त स्थान दे रखा है। तो आपको पढ़ना है बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। उसके बाद में ब, हंसो और हंसाओ, स्वस्थ पाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ठीक है, उसके बाद में आपके प्रश्न नंबर टू, सही उत्तर का क्रमांक, यानी कि जो सही यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, विकल्प दे रखे हैं, आपको छाट कर लिखना है। पहला है दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी जब बच्चे नहा धोकर आ गए, खाना खाकर आ गए, जब बच्चे खेल कर आ गए, या जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको भी पता है दादाजी ने शाबाशी कब दी थी, जब बच्चे अपने हाथ पैर धोकर आ गए थे। तो नंबर घ वाला, लास्ट वाला जो है विकल्प आपको लिखना है। उसके बाद में आपके ब, तंदुरुस्त हो तो हमें सब अच्छा लगता है, यह बात कही दादाजी ने, माताजी ने, बच्चों ने या दादाजी ने, किसने कही ये बात, दादाजी ने। पहला वाला विकल्प आपको उत्तर में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर तीन, शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे। शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे, शाम के समय दादाजी मुड्डे पर बैठे थे। आपको इतना ही उत्तर देना है, शाम के समय दादाजी मुड्डे पर बैठे थे। उसके बाद में प्रश्न नंबर फोर, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, यह बात किसने किसको कही। तो यह आपको उत्तर लिखना है, यह बात सुषमा ने, किसने कही, तो तीन बच्चे थे उनकी मम्मी ने कही थी ना, क्या नाम था, सुषमा। तो यह बात सुषमा ने तोशी, बिट्टू और हन्नी को कही। ठीक है, तीनों बच्चों से कही। यह बात आप पूरा भी लिख सकते हो उत्तर, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में, यह बात सुषमा ने तोशी, बिट्टू और हन्नी, तीनों बच्चों से कही। आपको इसका उत्तर लिखना। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर फाइव, किराएदार के बच्चे का क्या नाम था। तो किराएदार के बच्चे का नाम खुशी और अनु था। ठीक है, इतना ही लिखना है इसका उत्तर। उसके बाद में प्रश्न नंबर छः, दादाजी की बॉय ऐनक के घेरे से बाहर तक क्यों और कब आई। तो ये प्रश्न पूछा है जो आपने सबसे पहले था, जब खुशी और अनु, जो किराएदार के जो बच्चे थे, खुशी और अनु के हाथ पांव बंधे देखकर दादाजी की आंखें जो है ऐनक के
आखिर बुआएं जो है एनक के घेरे से बाहर आ गई। इसमें पहले पूछा दादाजी की बुआएं एनक के घेरे से बाहर तक क्यों और कब आ गई, तो पूछा क्यों आई और कब आई, क्यों आई तो पहले आपको ये लिखना है खुशी और अनु के गंदे हाथ पैर देख कर दादाजी की बुआएं एनक के घेरे से बाहर आ गई। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, उन पंक्तियों में लिखिए जिसमें साफ सफाई की बात आई हो। तो आपको वह पंक्तियाँ लिखनी है जो इस चैप्टर के अंदर आपके आई है। वह पंक्तियाँ आपके हम रोजाना नहाए, हमें शरीर पर पैर नहीं जमने देना चाहिए, सुबह उठते ही और शाम को सोने से पहले आपको दांतों की सफाई करनी है, और हफ्ते में 2 बार नाखून को काटना है, और शौच के बाद में साबुन से अपने हाथों को धोना है, जरूर धोना है, और गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। ठीक है, ये जो पंक्तियाँ आपको लिखनी है। उसके बाद में आपके प्रश्न नंबर 8, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियाँ दी जाती है, लिखिए। आप भी स्कूल जाते हैं जब आपको कौन कौन सी गोलियाँ कभी कभी देते हैं ना स्कूल में, जो आपको टैबलेट्स जो है दी जाती है, तो वहाँ कौन कौन सी है दी जाती है, तो वह आपको लिखनी है। तो हमारे आपको उत्तर में लिखना है हमारे विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी आयरन की, डीवर्मिंग और कैल्शियम की गोलियाँ दी जाती है। आयरन की और डीवर्मिंग की गोलियाँ जो होती है आपके पेट में जो कीड़े होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। कैल्शियम की गोलियाँ जो दी जाती है उससे आपकी हड्डियाँ जो है मजबूत होती है। तो यह आपको प्रश्न उत्तर है कॉपी में करने, ठीक है।